हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आज है नागपंचमी, तो नागपंचमी दिन वाला ये ब्लॉग है। अब देखो किस दिन डालती हूँ, उसी दिन का शूट किया हुआ है। तो बस मैं तुलसी माँ को, यहाँ भोलेनाथ है, उनको नहला रही हूँ। और घर की पूजा मैंने कर ली है पहले ही, वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है, अंदर वाली पूजा। और मंदिर गई थी, यहाँ बाहर ही घर के मेरे कुछ दूर में है, तो वहाँ का भी नहीं रिकॉर्ड करी। तो नागपंचमी वाले दिन आज सुबह से पूजा ही हो रहा है, समझ लो। अभी चाय तक किसी ने नहीं पी, क्योंकि जो घर की हाउसवाइफ होती हैं लेडी, क्योंकि आजकल एकल परिवार हर जगह है, तो वही तो सब करती हैं। तो उन्हें पहले उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, फिर चाय बनाना, तो ऐसे ही होता है हर घर में, हर हाउसवाइफ को ऐसे ही पड़ता है। तो आज मैंने उठते ही चाय नहीं बनाया आज मैंने, क्योंकि आज है नागपंचमी। तो बस नहा धो के पूजा पाठ चल रहा मेरा सुबह से। और बच्चे अभी नहीं जगे हैं, मैं जग गई थी तो मैंने घर का सारा काम किया, नहाया धोया, मॉर्निंग का जितना भी सुबह उठने के बाद से होता है सारा कुछ किया मैंने। और अभी ये पूजा यहाँ बची हुई है, और हर जगह मैं कर चुकी हूँ। बस जो गणेश अष्टमी आपको दिख रहे ना, ये मेरे जहाँ मैं बैठी हूँ पीछे जो एक नल जैसा लगा है ना, वहाँ पे उनकी पूजा करना है, और यहाँ की, और हर जगह मैंने कर ली है। तो आज मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन लेके आई हूँ मैं। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और जिन लोगों को ब्लॉग अच्छे लगते हो मेरे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और आजकल क्या है ना, दीप जलाओ तो माचिस का, तो मतलब मंदिर ले जाओ, मंदिर से लेके आओ, घर में पूजा करो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाथ में पानी लगता है ना, तो माचिस में लग जाता है, फिर जलती नहीं जल्दी। और दूध जितना था मैंने सब भगवान को नहला दिया, यहाँ के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि आजकल गैया वैया हम लोगों ने पाल नहीं रखी है, बाहर से किसी से लिया था हमने, तो नहला दिया हर जगह, तो यहाँ के लिए बचा ही नहीं। तो सॉरी भोलेनाथ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कितना बचाती मैं, बचा ही नहीं। खैर, कहते हैं ना, मन हमारा साफ़ हो, दिल हमारा साफ़ हो, और हमारे काम जो भी हम भगवान के लिए करें या किसी भी चीज़ के लिए काम करें, वो उस काम में हमारा एक वो होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे भगवान के काम में हो, चाहे खुद के लिए काम में हो। जब हम खुद का काम भी करते हैं ना, ये गणेश लक्ष्मी हैं, तो इनको भी रोज नहला के चंदन लगा देती हूँ। फूल चढ़ाने के लिए जगह नहीं है, गिर जाता है, तो फूल जल्दी नहीं चढ़ाते यहाँ, क्योंकि फिर नीचे गिर जाता है, पैर में पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इनको भी नहला दिया मैंने, और घर की भी पूजा मैंने पहले ही कर ली है, आप लोगों को दिखाती हूँ। विश्वेश्वराय नर गणवतारणाय करणामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो बस अभी ये बन गया है पोहा, नाश्ता मैंने बना दिया है, पूजा पाठ पूरा कंप्लीट। आज तो रोज तो एक घंटे लगते थे, आज डेढ़ दो घंटे लगे मुझे पूजा करने में, तो मैंने सोचा जल्दी से नाश्ता पहले बना दूँ, फिर अपनी चाय बनाऊँगी। तो ये बच्चों का सबका नाश्ता है, ये लोग खाएँगे, अब मैं चाय पी लूँगी, चाय पीने के बाद मैं पोहा थोड़ा सा खाऊँगी। और ये बिस्तर में ही बैठ के खा रहा है, शिवे हर्ष खुशी तीनों, तो उनको मैं चिल्ला रही हूँ कि बिस्तर में ना गिराना, क्योंकि सुबह से उठ के बिस्तर बनाओ, बहुत सारा काम होता है, और बिस्तर फिर ख़राब हो जाता है ना, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कोई भी आता है, अगर सड़क का घर होगा आप लोग का भी, तो आप लोग जानते होंगे, देखो कोई भी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। साफ़ सफाई घर में होनी बहुत ज़रूरी है, तीत होते हो, हार हो, कभी भी हो, हमेशा साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है घर में। और बस चाय में पी चुकी हूँ, इनको चिल्लाते चिल्लाते चाय पी हूँ शांति से, नहीं अब यार थोड़ा सा सुस्ता रही यार, थक सी गई सुबह से उठ के ना, भागा दौड़ी में थकी लग जाती है। इतने त्यौहार जो छोटे मोटे होते हैं ना हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे इसमें वो होते हैं नियम, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें,
तो मैं थोड़ा सा सुस्ता रही हूँ। सुस्ताने के बाद मैं लंच बना रही हूँ। मैंने सोचा पहले खीर पूड़ी सब्जी बना लूँ, लेकिन परसों कल दो दिन लगातार मैंने पूड़ी बनाई थी तो कोई खाने के लिए रेडी ही नहीं हुआ। तो फिर मुझे दाल चावल सब्जी रोटी सिंपल सा लंच बनाना पड़ा। ये देखिए, ये है मेरा मिडिल क्लास किचन। तो देख लीजिए, ऐसे मैं खाना बनाती हूँ। और यही लाइफ है यार, जो है वो दिखाना ज़रूरी है ब्लॉग्स में। हम जो है ना वही हमें दिखाना है, रहीसी नहीं दिखानी, क्योंकि हम यूट्यूब पर आए हैं कुछ करने के लिए। ये जॉब की तरह ही है, और यहाँ झूठी रहीसी दिखाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो जो है वही दिखाती हूँ। देखो सारा सामान रखा हुआ है, सबकी थाली में लगाने जा रही हूँ, क्योंकि ये देखिए बाज़ार जैसी लग जाती है। जब किचन नहीं होता ना, ऐसे रूम टाइप में बनाओ खाना, तो ऐसे ही हाल होता है। जिनके पास किचन नहीं होगा उनको पता होगा। तो ये देखिए थाली रेडी है। ये ऐसे सादा खाना ज़्यादा खाते हैं मेरे घर में, क्या बताऊँ मैं। शाम को देखती हूँ क्या बनाना है। और बस अब मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग में। खाना पीना खा के मैं सच में सो गई थी आज, क्योंकि मैं थक गई थी एकदम से, सो गई थी। सो के भी 5-6 बज रहे होंगे, हाँ इतने टाइम होगा, 6 बज रहे होंगे 6। तो कपड़े भी धुल के देखो डाला था मैंने, क्योंकि ये कपड़े तो इतने निकलते ही हैं यार, रोज़ का काम है हमारा। जो डेली वियर के कपड़े वो तो धुलना ही धुलना है। और एक्स्ट्रा से कपड़े आज मैंने नहीं धुले, रोज़ वाले ही धुले हैं बस। अभी 2 दिन से धूप हो रही, तो कम से कम कपड़े सूख जा रहे हैं। और इस बोरी में गेहूँ था तो उसे मैंने धुला नहीं था, धुला था मतलब धुला हुआ रखा था, तो मैंने आटा पिसाने के लिए फटक के दे दिया था। इस बोरी को मैंने धुल लिया थोड़ा सा, जिससे बाद में काम आए, साफ़ रहेगी। तो और बस थोड़ा सा टहल लूँ, अपने लिए टाइम निकाल लूँ, नहीं तो सच में इस समय टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। सारा दिन बस बिजी ही रहो, और हल्का फुल्का टाइम कभी कभी निकाल पाती हूँ, रोज़ वो भी नहीं निकाल पाती। और इधर थोड़ा सा मुझे सुकून मिलता है हरियाली देखकर। तो गाड़ियों की भी आवाज़ इधर बहुत कम आती है, तो थोड़ा सा टहल लेती हूँ। और देखो सीखो, बिस्किट खा रहा था, बोला मम्मी आप भी खा लो, पानी लेके आए बॉटल में। इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम इंडियन हाउसवाइफ का, इंडियन मॉम का यही सारा ब्लॉग होता है, यही सारा रूटीन होता है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तभी मैं यूट्यूब पर आई हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी माय ऑल फ्रेंड्स। तो ये है नाइट का खाना, पूड़ी सब्जी मैंने बनाई थी, पूड़ी मैं नहीं खा रही हूँ, मैं रोटी खा रही हूँ। ये देखिए, चलो फिर कल वाले ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ये नाइट है।